राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक के बाद एक अजीबोगरीब बयान देकर सुर्खियों में बने हुए। हाल ही में मदन दिलावर ने आदिवासी पर एक विवादित बयान दिया, लेकिन अब मदन दिलावर ने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया। जब उनके बयान को लेकर विवाद बढ़ गया तो अपने बयान से ही पलट गए। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासी हमारे लिए श्रेष्ठतम है। आदिवासी समाज में विभाजन करने के लिए दूषित मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में है और इस प्रकार कांग्रेस सहित विपक्षी दल हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। मदन दिलावर बोले, मुझसे पूछा गया कि कुछ लोग खुद को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा, वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उनसे पता किया जा सकता है, या उनको भी नहीं मानते तो उनका डीएनए चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासी से जोड़ने की कोशिश की। सुनिए मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। मैंने कल एक पत्रकार से जयपुर में कहा था, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा कि वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली, जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उससे पता किया जा सकता है, या वो उसको भी नहीं मानते तो उसका डीएनए चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासियों से जोड़ने की कोशिश की। इस देश में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, सभी हमारे लिए सम्माननीय है। विशेषकर आदिवासी समाज के लोग हमारे श्रेष्ठतम लोग हैं, जिन्होंने आज तक वृक्षों की रक्षा कर हम सब लोगों को प्राण वायु देने वाले पेड़ों को जिंदा रख के उनका रक्षा करके पूरे समाज, प्रदेश और देश की रक्षा की है, और उसके कारण से हम सब लोग जिंदा हैं। शायद वह वनों को नुकसान पहुंचाते और वनों के को लगाते नहीं, आज हम इस तरह से नहीं बैठे होते। इसलिए मेरे को ये कहने में कोई ये अतिशक्ति नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग समाज के यानी हिंदू समाज के श्रेष्ठतम लोग हैं, जिनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम होगा। बता दें, मदन दिलावर ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता की टिप्पणी पर हमला बोला और उन्होंने कहा जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने का काम करेगी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर भारतीय आदिवासी पार्टी नेता खुद को हिंदू नहीं मानते तो उनके डीएनए की जांच कराई जानी चाहिए। जिसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर के नव निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने कहा, बहुत जल्द ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर मेरे ब्लड सैंपल भेजा जाएगा। हर आदिवासी के घर से सैंपल भेजने का अभियान चलाया जाएगा। मंत्री जी डीएनए टेस्ट मशीन की व्यवस्था करके रखें। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।